तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ साथ की देखी। हेलो, मैं पूर्ण मान, वेलकम टू पॉलीग्राफ स्टूडियोज। आज की कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी की, जो कि एक इंडियन ऑफिसर थे। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के बनारस गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता भी एक आर्मी मैन थे और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की तरफ से लड़ाई की थी। 1962 में हुए चाइना इंडिया वॉर में मेजर का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 1962, जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने चाइना से मुकाबला करने के लिए ना रणनीति बनाई और युद्ध के लिए कई टीम बनाई गई, और ऐसे ही एक टीम का नेतृत्व मेजर सिंह कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को ना बहुत मजबूत बनाया था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि आज हम लौटेंगे केवल चाइना को हराकर। वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी टीम की कमान संभाल रहे थे। लड़ाई के दौरान मेजर अपनी टीम का ना मनोबल भी बढ़ा रहे थे और वो लगातार एक पैड से दूसरे पैड तक रक्षा का पुनर्गठित करते रहे। जैसे ही वो एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाने लगे, चीनी सेना ने ना उन पर गोलाबारी कर दी। सिंह ने खतरे को भांपते हुए सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया, लेकिन खुद वहां से हिले भी नहीं। उनके पैरों में गोली लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साहस का परिचय देते हुए हार नहीं मानी और दुश्मनों पे गोलियां चलाते रहे, लेकिन अंत में उनकी बाहों में और पेट पर गोली लग गई और उनकी जान चली गई। रिजान ला की लड़ाई के लिए 18 नवंबर 1962 को सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और इस तरह भारत ने अपने एक और वीर सिपाही को खो दिया। एक सैनिक कभी भी व्यर्थ नहीं मरता, क्योंकि उनके जीवन की तरह उनकी मृत्यु भी सामान्य नहीं होती है। हर सैनिक जानता है कि उनके नाम की कोई भी गोली हो सकती है और वो अपने इस देश के लिए ना उस गोली को लेने में गर्व महसूस करते हैं। ये शहीद हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। हम उन सभी सैनिकों के आभारी हैं जो हमारे लिए और हमारी आजादी के लिए लड़ते हैं। ऐसे ही एक सैनिक की कहानी लेकर आ रहे हैं अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर पसंद आया है ना तो लाइक और शेयर तो कर ही देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।